पीसीओडी इन पीसीओएस अभी ही क्यों ज्यादा हो रहा है? आई ऑल्सो हैव पीसीओएस, लेट मी टेल यू, इट्स लाइक अ डायबिटीज फॉर योर ओवरीज. यू कैन रिवर्स इट्स सिम्टम्स. आई डिड माई सेल्फ, बट यू हैव टू बी वेरी ऑब्जर्वेंट विद योर फूड, यू हैव टू वेरी ऑब्जर्वेंट विद योर लाइफ स्टाइल. मैं 99% भी नहीं बोलूंगी, 100% लोगों की प्रॉब्लम है आज के डेट में. स्क्रीन टाइमिंग, बींग अ पार्ट ऑफ द कॉम्पिटिशन एंड रेस, तो इतनी ज्यादा एंजाइटी आ गई है टू गेट सक्सेस, मनी एंड यू नो लग्जरियस लाइफ, कि आपको जिंदगी में हमेशा एक्चुअल में वही मिलता है जो आप चाहते हो. Everything is connected from here. Trust me, your thoughts affect your body in a huge and massive manner. हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आज के पॉडकास्ट में. मैं हूं प्रशांत, आपका होस्ट, और आज हमारे साथ जुड़ी है प्रियंका अग्रवाल जी, जो एक सर्टिफाइड योगा ट्रेनर है, साथ ही साथ एक डीप और कीन नॉलेज रखती है इन आयुर्वेदा एंड स्पिरिचुअलिटी. फर्स्ट ऑफ ऑल स्वागत है आपका प्रियंका जी, इट्स अ प्लेजर टू हैव यू टुडे विद अस. थैंक यू प्रशांत जी, नमस्ते एवरीवन. प्रियंका जी, how are you, how has 2023 been to you? Actually, 2023 has been a roller coaster. So I recently got married a year back. Then I shifted. Congratulations. Thank you so much. So we shifted to a new city. So everything was about that only. So I also I got a good audience on Instagram. So it has been a wonderful year for me, because that was something I was not expecting. I did it, very few people know it, but I'll tell you this, because I started it just to give it a try, not to, you know, gain any audience or to get viral, basically. So I was just sharing my knowledge online, and I was like, okay, let's see how, you know, people are resonating it with it. But luckily, I think with God's grace and with a bit of hard work, it actually gave me some good audience, and I have a good family now. So 23 is literally ending on a very, very good note for me. ये तो बहुत अच्छी बात है प्रियंका जी, मैं बहुत एक्साइटेड हूँ आपसे बातें करने के लिए. बहुत सारे टॉपिक्स हम लोग कवर करेंगे, तो अगर हम इस पॉडकास्ट में आगे बढ़े तो आपने बताया दैट आप अपनी नॉलेज शेयर कर रही थी, बट मेरा एक क्वेश्चन आता है कि हाउ डिड दिस बिगैन, मतलब वॉज इट लाइक इवेंट दैट अकर्ड इन योर लाइफ जब आप स्पिरिचुअलिटी की जर्नी शुरू करी अपनी, वॉज इट लाइक एन इवेंट, और या फिर कोई पल एक जिंदगी में, जैसे मैं अगर आपको एक एग्जाम्पल दू तो फ्यू ऑफ माई फ्रेंड्स उन्होंने स्पिरिचुअलिटी में अध्यात्म में कब चले गए, फिर कोविड हो गया तो उनको चीजें थोड़ी रियलाइज ज्यादा हो. तो क्या ऐसा कोई इंस्टेंस है आपकी लाइफ में भी? नहीं, अगर देखा जाए स्पिरिचुअलिटी इज समथिंग जो मेरी लाइफ का हमेशा से पार्ट रही है. सो माय मदर यूज्ड टू एक्चुअली रिसाइट मी हनुमान चालीसा टू पुट मी टू स्लीप, मतलब मैं जब एकदम छोटी थी. तो इट स्टार्टेड सिंस देन, सो इट वॉज इम्बाइडेड सिंस चाइल्डहुड. तो थोड़ी थोड़ी आई वॉज अ बिलीवर ऑलवेज, आई वॉज अ वेरी आई एम अ ऑप्टिमिस्टिक पर्सन, आई हैव ऑलवेज बीन अ ऑप्टिमिस्टिक पर्सन. तो आई वॉज वेरी अटैच्ड एंड ड्रिवन स्पिरिचुअली, एंड ऑल्सो आई मीन देर हैज बीन इंस्टेंसेज, आई मीन इन माई फैमिली एवरीबडी स्पिरिचुअली ड्रिवन. सो इट वॉज नॉट अ फोर्स टास्क और इवेंट, बट इट हैपेंड वेरी effortlessly, very naturally. But as I grew in my own life, like in when we grow up, हम जब college में होते हैं, school में होते हैं, हम थोड़े ignorant हो जाते हैं. मतलब वो materialistic life हमारे साथ catch up कर लेती है, friends के साथ थोड़ा घूमना फिरना ये वो. बट मतलब फॉर मी इट हैपेंड फ्यू ईयर्स बैक. अगर आप बोलेंगे कि वेन आई स्टार्टेड यू नो सीइंग कि मैं अपने डीपर सेल्फ के साथ और कैसे कनेक्ट करने लगी थी, क्योंकि ऑब्वियसली कोविड में तो लोगों के पास बहुत ज़्यादा टाइम था ही, एंड आपने देखा होगा कि कोविड के बाद लोग ज़्यादा ही स्पिरिचुअली ड्रिवन हो रहे हैं, क्योंकि उनको लाइफ की वैल्यू समझ आ रही है.
कि आप कितना ही पैसा कमा लो, बट जो अगर आप अध्यात्म से नहीं जुड़े हो तो आपकी जिंदगी का कुछ मतलब ही नहीं रह जाता। अल्टीमेटली वही काम आता है बेसिकली आपको। तो जैसे ही मतलब वो सेल्फ रियलाइजेशन इवेंचुअली इट हैपेंड कि नहीं, अब ज्यादा इग्नोरेंट हो रहे हैं एंड थोड़ा ऑब्जर्वेंट होना पड़ेगा अपने टूवर्ड्स। तो आई स्टार्टेड मेडिटेटिंग, मतलब लाइक एनी अदर टीनेजर आई हैड यू नो इश्यूज कि ये नहीं हो रहा वो नहीं हो रहा। तो माई मॉम एंड डैड ओनली सजेस्टेड मी दैट यू नो यू नीड टू सिट विद योर सेल्फ। एंड ऑल्सो आई हैड दिस हैबिट ऑफ जर्नलिंग सिंस चाइल्डहुड। सो आई थिंक माई पेरेंट्स प्ले अ वेरी बिग रोल इन दिस कि सेल्फ हीलिंग में उन्होंने मुझे बचपन से मतलब पुश किया है कि नहीं यू हैव टू स्पेंड टाइम विद योर सेल्फ एंड स्पिरिचुअलिटी इज समथिंग वॉट यू नॉट डू। आई मीन इट्स अ वे ऑफ लाइफ आई थिंक। और सबका आइडिया ऑफ स्पिरिचुअलिटी इज डिफरेंट। मतलब मेरे लिए स्पिरिचुअल, किसी के लिए स्पिरिचुअल होगा मंदिर जाना, किसी के लिए स्पिरिचुअल होगा पाठ करना, किसी के लिए स्पिरिचुअल हो सकता है टू हेल्प अदर्स। सो आई थिंक स्पिरिचुअलिटी इज अ वेरी वास्ट कॉन्सेप्ट एंड एवरीबडी हैज देयर ओन थ्योरी टू यू नो कनेक्ट विद। मुझे ऐसा लगता है बेसिकली। नहीं, आपकी आपने जो बात कही, आई टोटली अग्री विद इट. जैसे हर इंसान अलग होता है, वैसे उसके लिए उस स्पिरिचुअलिटी, अध्यात्म का एक अर्थ भी तो अलग हो सकता है. उसको हो सकता है अध्यात्म की जो फायदे अलग हैं हो सकता वो उसको है जी, किसी और बिल्कुल कारण ही में होता लगे. है एग्जैक्टली. तो होता है। जैसे आपने कहा कि आपके पेरेंट्स ने आपको बोला कि स्पेंड सम टाइम विथ योरसेल्फ, तो प्रियंका जी, स्पिरिचुअलिटी से जुड़ने के बाद जब आपने इसको एज अ लाइफ स्टाइल जोड़ दिया, वॉट वेयर द चेंजेस यू ऑब्जर्व इन योरसेल्फ? मतलब आपने देखा कि कुछ बदलाव, आप छोट कुछ चीजों में अलग तरीके से रिएक्ट करते हो, आपका एक रिएक्शन अलग होता है, तो वो जानना चाह रहा हूं मैं. तो स्पिरिचुअलिटी में जुड़ने के बाद एक सबसे बड़ा चेंज आप देखेंगे, जो मैंने भी देखा है, कि आप बहुत ज़्यादा ऑब्जर्वेंट हो जाते हो टुवर्ड्स साइंस ऑफ यूनिवर्स। तो मतलब आप, जैसे हम बोलते हैं कि कुछ हो नहीं रहा, व्हेन वी आस्क गॉड समथिंग कि, या फिर हम यूनिवर्स से कुछ मांगते हैं कि मुझे ये चाहिए, बेसिकली वी मैनिफेस्ट इट, बट वी डू नॉट सी द साइंस दैट यू नो यूनिवर्स इज पुटिंग ऑन योर वे। फर्स्ट थिंग वो होती है कि आप बहुत ज्यादा ऑब्जर्वेंट हो जाते हो टुवर्ड्स द साइन कि यू नो एवरीथिंग अराउंड यू इज एक्चुअली फॉलिंग इन प्लेस। एंड आप, आई थिंक एवरीबडी नीड्स टू थिंक अबाउट दिस फ्रेज कि आपको जिंदगी में हमेशा एक्चुअल में वही मिलता है जो आप चाहते हो, बट आप वो एक्चुअली उस टाइम पे वैल्यू नहीं करते हो, बिकॉज जब वो टाइम आता है तब तक आपकी चाहत बदल जाती है बेसिकली। क्योंकि जब वो आपको मिलता है तो आप एम करते हो कि अरे ये तो बहुत बेसिक है, बट आप रियलाइज नहीं करते कि 6 महीने पहले या 1 साल पहले आप वही चाह रहे थे। तो आपको हमेशा गॉड से या यूनिवर्स से वही मिलता है। तो आपको बस थोड़ा सा ऑब्जर्वेंट और थोड़ा सा, मतलब मेरे अंदर वो ग्रैटिट्यूड आया है दैट आई एम थैंकफुल कि मुझे जो भी मिल रहा है, हाँ शायद मतलब यही चाहिए था मुझे। यू हैव टू बी वेरी पॉजिटिव अबाउट इट। एंड मुझे लगता है कि एक पॉजिटिविटी, मैंने जैसा कि कहा कि मैं ऑप्टिमिस्टिक तो थी ही, बट पॉजिटिविटी इज समथिंग आपको अपने अंदर लानी पड़ती है। कैसे कि आई हैव स्टॉप्ड यूजिंग नेगेटिव वर्ड्स इन माई लाइफ कि ये तो नहीं होगा, ऐसा तो नहीं हो रहा है, ये तो मैं नहीं कर सकती। आई मीन यू हैव टू बी वेरी यू नो पॉजिटिव अबाउट इट इन द सेंस कि हाँ चलो देखते हैं, चलो करेंगे, आई विल ट्राई, आई एम डूइंग दिस। सो आप बहुत ज्यादा मतलब पुश करते हो अपने आप को ही, तो यू नीड नॉट टू हैव एनी लेवरेज या फिर आपको कोई मोटिवेटर की हाइप पर्सन, जैसे हाइप मैन बोलते हैं आजकल, जेंजी बहुत यूज करती है ये वर्ड, तो आपको उसकी जरूरत नहीं होती। यू कैन बी योर हाइप मैन, मतलब हाइप पर्सन योर सेल्फ। तो वो चीज आ जाती है वेन यू कनेक्ट योर सेल्फ विद स्पिरिचुअलिटी। नहीं, ये जो बातें आपने कही कि हाइप मैन वाली, जेनजी वाली, दैट आई टोटली अग्री विद इट, बिकॉज यू आर योर ओन सपोर्टर इन एवरी वे. और आपने जो बातें कही कि आप, यू हैव एलिमिनेटेड ऑल दीज नेगेटिव वर्ड्स फ्रॉम योर लाइफ, अंडरस्टैंडिंग द पॉइंट कि किसी भी सिचुएशन में प्रॉब्लम के बारे में नहीं सोचते उसे बड़ा करना है, बल्कि सोल्यूशन के बारे में सोचना है कि वॉट इज द वे आउट, हाउ डू वी डू इट, नॉट थिंकिंग कि ये कैसे होगा, राइट? ये कैसे होगा, मुझसे तो हो ही नहीं पाएगा, नेवर थिंक अबाउट दिस। तो मतलब ये तो काफी अच्छे, एक प्रकार से मैं कहूँ तो एक मेंटल एंड इमोशनल चेंजेस हो गए, राइट?
चेंजेस हो गए. लाइक बिकॉज ऑफ स्पिरिचुअलिटी आप चीजों को एक अलग नजरिए से देख पाते हो, मतलब इफ आई एम नॉट दैट्स ट्रू. रॉन्ग एंड इट अबाउट इट. अफेक्ट्स योर फिजिकल हेल्थ ऑल्सो. इट अफेक्ट्स योर फिजिकल अच्छा हेल्थ ऑल्सो. आई मीन अगर आपकी जैसे मेंटल मतलब एक हेल्थ एग्जांपल अगर अगर आप आपकी देख पाए तो. मतलब जैसे अगर आप नेगेटिव हो गए तो बेसिकली आई एम अ हीलर ऑल्सो. सो आई प्रीच सेल्फ हीलिंग एंड आई प्रैक्टिस सेल्फ हीलिंग. सो उसमें बिगेस्ट आपके लाइफ का बाउंडेशन या ब्लॉकेज क्या होता है, आपके थॉट्स बेसिकली. तो आप अब देखोगे ना, अगर आप नेगेटिव होते जा रहे हो या फिर आपको ऐसा लग रहा है, मैं एक छोटा सा एग्जांपल देती हूँ कि आप कहीं जा रहे हो एंड आप ये सोचोगे ना, जितना आप सोचोगे कि वहां पे वो बुरा होगा होगा, शायद हो सकता है, तो कुछ बुरा होगा ही. मतलब अगर आप कहीं जा रहे हो या कुछ इवेंट है आपका, बट आप पॉजिटिव रहोगे ना तो सब अच्छा ही होगा. इसीलिए हमारे बड़े भी, आपने सुना होगा कि आपके पेरेंट्स या आपके दादा दादी भी बोलते कि अच्छा सोचो तो अच्छा ही होगा, विच इज एक्चुअली अ वेरी ट्रू स्टेटमेंट. तो अगर आप नेगेटिव रहोगे तो इट अफेक्ट्स योर फिजिकल बॉडी ऑल्सो, बिकॉज इट अफेक्ट्स योर ऑरा, इट अफेक्ट्स योर फंक्शनिंग ऑफ द बॉडी, बिकॉज ब्लॉकेजेस आ जाते हैं आपके चक्रास में. तो अगर आप अच्छा नहीं सोचोगे तो इट विल यू नो मेक यू सिक इन एनी यू नो वे. तो हीलिंग में भी वी प्रीच की नो मैटर वॉट, यू हैव टू बी वेरी पॉजिटिव अबाउट योर थॉट्स. ऑब्वियसली आई एम नॉट सेइंग नेगेटिव थॉट्स नहीं आएंगे, बट आपको उसको एक्नॉलेज नहीं करना है बेसिकली. नेगेटिव थॉट्स डेफिनेटली आएंगे, आफ्टर ऑल वी आर ह्यूमन बींग्स, बट यू डोंट हैव टू एक्नॉलेज इट, यू डोंट हैव टू एक्ट ऑन इट, डोंट रिएक्ट ऑन इट, जस्ट बेसिकली लेट इट पास एंड रिएक्ट ऑन द पॉजिटिव थॉट्स. सो बेसिकली ये मंत्रा होता है. ने जो बात बोली दैट इज राइट, मतलब इवन आई फील दैट वे, वी एट योग फॉर लाइफ इवन फील दैट वे कि जब हम लोग किसी चीज के बारे में ज्यादा सोचने लगते हैं कि अगर हम गलत चीजों पे फोकस करेंगे कि मेरे साथ कुछ गलत होगा, तो आई फील दैट हमारे एक्शन भी उन्हीं अफर्मेशन से अलाइंड हो जाते हैं. अलाइन होते हैं. एग्जैक्टली, दैट इज वेरी ट्रू. एंड समथिंग विल हैपन एंड देन यू विल थिंक मुझे तो लगा ही था, बट एक्चुअली यू डिड एग्जैक्टली मैनिफेस्टेड योर सेल्फ. यू डिड आस्क द यूनिवर्स कि हाँ कुछ बुरा हो रहा है. यूनिवर्स डज नॉट अंडरस्टैंड इम्बाइडेड मैसेजेस, कोडेड मैसेजेस. गॉड डज, बट वेन यू आर पुटिंग इट आउट इन द यूनिवर्स कि सब अच्छा होगा, तो दे टेक दैट मैसेज एंड इट डिलीवर्स इट टू यू समहाउ. दैट इज आई फील वेरी अनटच्ड टेरिटरी आइड से आज के टाइम पे. साइंस इज नॉट इवन लुकिंग इन दैट डायरेक्शन. वेल अहेड ऑफ दैट लेट्स मूव अहेड इनटू दिस पॉडकास्ट. मतलब एक फील्ड है जो हमारे खुद की कम्युनिटी में एंड आई प्रेज्यूम आपकी कम्युनिटी में भी बहुत बार पॉपअप करता होगा, दैट इज हाउ डू मंत्रास वर्क. लाइक वेन वी चैंट द मंत्रास, हाउ आर दे एक्चुअली वर्किंग ऑन अस, कैसे वो हमारी पर्सनैलिटी, हमारे ऑरा को चेंज कर देते हैं. मतलब इफ यू कैन पुट पुट सम लाइट ऑन इट. ओके. सो मंत्रास आर समथिंग, आई मीन हमारी ये जनरलाइज्ड नॉलेज या फिर हमारी ये थिंकिंग होती है कि मंत्रा कैन ओनली बी इन अ फॉर्म ऑफ श्लोका या फिर कोई बीज मंत्र होगा या फिर फ्रेज होगा. बट मंत्रा कैन ऑल्सो बी ओनली अ वर्ड, कैन बी अ फ्रेज और ऑल्सो कैन बी अ साउंड. तो मंत्रा इज समथिंग कि आप किस लेवल पे कनेक्ट कर पा रहे हो उससे, उस वर्ड से, उस फ्रेज पे. तो मैं इसको थोड़ा सा ब्रीफ वे में एक्सप्लेन करना चाहूंगी कि हमारी बॉडी में 114 चक्रास होते हैं बेसिकली. हमारी बॉडी और बॉडी के अराउंड मिला के, सारी बॉडी में भी नहीं होते, हमारी जो ऑरा होती है वो 88 इंचेस की होती है करीबन. और उसके अराउंड भी हमारे चक्रास, आउटसाइड और इनर चक्रास मिला के हमारे 114 चक्रास होते हैं. और उसके अलग अलग मंत्रास होते हैं. तो बेसिकली वो कनेक्ट करने के लिए उनका डीपर लेवल ऑफ सेंस होता है. अब जैसे अगर मैं आपसे कनेक्ट करना चाहूंगी तो मेरे को आपका पहले नाम पता होना चाहिए. मैं आपको प्रशांत जी बोल के डिनोट करूंगी, तब मैं आपसे कनेक्ट कर पाऊंगी, राइट? तो वैसे ही अगर आप चक्रास को कॉल आउट करते हैं, उनसे डीपर लेवल में कनेक्ट करना चाहते हैं या फिर किसी गॉडली फिगर से या गॉड से या देवी देवता से आप कनेक्ट करना चाहते हैं, तो उनसे कनेक्ट करने का ये आप एक समझ लीजिए कम्युनिकेटिव वे है.
ठीक है। तो और मंत्रास, जितने भी हम मंत्रास की बात करते हैं, तो अलग अलग मंत्रास के अलग अलग रिदम होती हैं, अलग अलग वाइब्रेशंस होती है, जो आपकी बॉडी में आपके एनर्जी सेंटर्स को अलग अलग तरीके से अफेक्ट करती हैं। तो आपकी जो नाड़ियाँ होती हैं, एनर्जी सेंटर्स होती है, वो 72,400 नाड़ियाज होती है आपकी बॉडी में, एनर्जी सेंटर्स जिसको हम बोलते हैं। तो अगर आप समझ लीजिए कि हम मैथ्स भी कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे कि कितने गॉड्स, कितने देवी देवता और कितने मंत्रों की हम यहाँ बात कर रहे हैं, राइट। तो जब हम नॉर्मल मंत्रा की बात करते हैं, जो सबसे फेमस और पावरफुल मंत्रा है हमारी स्क्रिप्चर्स के हिसाब से, विच इज गायत्री मंत्र, राइट। तो मैं गायत्री मंत्र को एक्सप्लेन करूंगी कि गायत्री मंत्र इज समथिंग जो हम चांट करते हैं नॉर्मल में, और आई थिंक सब स्कूलों में भी चांटिंग कराई जाती थी, असेंबली में, मेरी असेंबली में तो कराई जाती थी, बट दैट इज नॉट द कंप्लीट गायत्री मंत्र। हमारी जो पूरी गायत्री मंत्र है वो ऋग वेदा में मेंशनड है, जो कि विश्वामित्र जी ने लिखी थी। तो वो भी रिकमेंडेड नहीं है सबको चांट करने के लिए, इसलिए नहीं कराई जाती, क्योंकि आपको वो चांट करने के लिए एक हायर लेवल अचीव करना पड़ेगा, और कुछ मंत्रों की आपको दीक्षा लेनी पड़ती है अपने गुरु से, तभी आप चांट कर सकते हैं, वरना वो आपको पॉजिटिव से ज्यादा नेगेटिव वे में अफेक्ट कर सकते हैं। तो मंत्रास कैन बी अ वेरी पावरफुल टूल। आई मीन हाउ यू थिंक कि जो हमारे ऋषि मुनीज हैं, लर्नर्स या फिर राइटर्स हुए हैं हमारे स्क्रिप्चर्स के हिसाब से, तो दे ऑल गेन एनर्जी फ्रॉम मंत्रास। और आप भी अपना मंत्र खुद बना सकते हैं, ऐसा नहीं है कि आपको जो लिखा हुआ है स्क्रिप्चर में या फिर जो बताया गया आप वो लिख सकते हैं। एवरीबडी कैन इवन यू नो डेवलप देयर ओन मंत्रास, एवरीबडी हैव दैट पावर इन साइड देम। तो मंत्रास इज समथिंग विच कैन एक्चुअली यू नो ट्रांसफॉर्म योर ट्रेड्स, ट्रांसफॉर्म योर लाइफ, बट इट हैज टू बी डन इन अ वेरी राइट वे एंड वेरी केयरफुली। मतलब आप ऐसे सिंगल हैंडेडली कोई भी मंत्रा उठा के इफ यू स्टार्ट चांटिंग, वो नहीं अफेक्ट करेगा, या करेगा भी तो नेगेटिव वे में कर सकता है, अगर आप उसको सही से नहीं कर रहे हैं तो। तो इट इज अ वेरी पावरफुल टूल, येट इट इज अ डेंजरस टूल एट द सेम टाइम, सो यू हैव टू यूज हाँ देम वेरी केयरफुल। हाँ हाँ इट इज लाइक अ डबल एज स्वॉर्ड, अगर मैं बोलूँ तो. यस यस, इट इज अ डबल एज सॉर्ड। दैट इज वाई वेन आई यू नो टेल मंत्रास टू माई ऑडियंस, आई ऑलवेज गिव देम अ PDFs ऑफ रूल्स ऑन लिंक ट्री अटैच टू माई प्रोफाइल, सो दैट यू नो दे कैन एटलीस्ट नो द रूल्स एंड देन स्टार्ट चैंटिंग। यू डोंट हैव टू चैंट इट जस्ट यू नो स्क्रोलिंग बाय वॉचिंग अ रील, एग्जैक्टली यू शुड नॉट। या आई एम ऑलवेज एग्जैक्टली सेइंग डोंट, प्लीज रीड द रूल्स एंड देन गो अहेड। इट इज रियली नाइस टू सी यू एक्चुअली एक्सप्लेनिंग दैट एज वेल, रादर देन जस्ट पुशिंग इट टू पीपल. बिकॉज आपको खुद पता है कि इफ नॉट डन द राइट वे, उसके कुछ कॉन्सिक्वेंसेस भी आते हैं. कॉन्सिक्वेंसेस डेफिनेटली हो सकते हैं। अभी आप हमारे स्क्रिप्चर से भी उठा के देखेंगे तो आपका इंटेंशन भी बहुत मैटर करता है। अब एक मंत्र या फिर एक कनोशन, सपोज हम बात करें ओम नमः शिवाय की, ठीक है, यू आर कॉलिंग ऑन टू भोलेनाथ जी, महादेव जी, बट देवता ऑल्सो डिड एंड असुरा ऑल्सो डिड, बट देर इंटेंशन मैटर्ड एंड देर एंड ऑल्सो मैटर्ड। सो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल वॉट यू आर आस्किंग इन योर प्रेयर, यू हैव टू बी वेरी यू नो स्पेसिफिक, एंड योर इंटेंशन शुड बी वेरी क्लियर, बिकॉज आई मीन वॉट एवर यू नो गॉड विल गिव यू, बिकॉज यू आर डूइंग दैट हार्ड वर्क टूवर्ड्स देम, बट यू डोंट नो वॉट विल कम इन टू द न्यूअर फ्यूचर, बिकॉज गॉड ऑलवेज हैव देयर लूप होल्स एंड they have their own surprising ways to surprise you, basically. Make sense, yeah. ये तो आपने जो कहा एकदम सत्य है, मतलब इन एवरी वे पॉसिबल. प्रियंका जी एक चीज और है, जैसे जो मैं पर्सनल मतलब ये एक मेरा थॉट है, वेन एवर लाइक आई एम एक्सरसाइजिंग और एनीथिंग, इफ आई एवर फील आई नीड स्ट्रेंथ, तो आई लिसन टू हनुमान चालीसा, बिकॉज एंड इट यस गिव्स, बिकॉज हनुमान इज द गॉड ऑफ स्ट्रेंथ. तो अंदर से ही एक वो फील स्ट्रेंथ, आती है दैट यस, आई कैन पुश पास्ट माय लिमिट्स. आई कैन देन पुश क्या माय मेरा सेल्फ, इस चीज यस, को, हाँ क्या मेरा ये मतलब इस चीज के बारे में सोचना, क्या ये एक सही फिलॉसफी है या फिर देयर इज मोर टू इट, क्या आप मुझे और बता सकती हैं? सो प्रशांत जी, ये बहुत ही एक्चुअली बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। तो जैसे मैं मंत्रास के बारे में एक्सप्लेन कर रही थी कि हम इतनी सारी मिलियन सोल्स है इस
पृथ्वी पर, इस धरती पर, तो एवरीबडी कनेक्ट्स टू मंत्रास एंड एवरीबडी कनेक्ट्स टू गॉड इन अ वेरी डिफरेंट वे. जैसे भक्ति भाव का भी ना अपना एक तरीका होता है, कोई भगवान को अपना दोस्त मानता है, कोई उनको अपना सुपीरियर मानता है, और कोई उनको अपना मतलब पार्टनर मानता है, अपना सेल्फ मानता है, अपने भीतर मानता है. तो अब जैसे हनुमान चालीसा, आप जैसे पावर, आपको जब भी आप पावरफुल या फिर बहुत डाउन फील कर रहे हैं तो आप हनुमान चालीसा रिसाइट करते हैं, एंड इट गिव्स यू स्ट्रेंथ. और अनलाइक मी, मतलब जैसा कि मैंने बताया कि माय मॉम यूज्ड टू रिसाइट हनुमान चालीसा टू मी टू पुट मी टू स्लीप, तो हनुमान चालीसा हैज बिकम अ पार्ट ऑफ माय डेली लाइफ फॉर कामनेस. तो मैं कनेक्ट कर पाती हूँ हनुमान चालीसा से टू काम माई सेल्फ, टू पुट मी टू स्लीप. तो आप यहीं पे समझ रहे हैं कि इट डिफर्स फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, बट योर इंटेंशन ऑल्सो, योर कनेक्शन विद गॉड, योर कनेक्शन विद स्पिरिचुअलिटी इज मतलब टोटली डिफरेंट. सो इट एक्चुअली आंसर्स द फर्स्ट क्वेश्चन कि जो स्पिरिचुअलिटी होती है वो कनेक्ट करने का आपका अपना अपना तरीका होता है. हनुमान चालीसा गिव्स यू स्ट्रेंथ एंड दैट मोटिवेशन, बट इट गिव्स मी कामनेस, सो पॉजिटिविटी. सो डेफिनेटली आप किसी भी मंत्रा से या किसी भी गॉड से आप अपने वे में कनेक्ट कर सकते हैं, बट योर इंटेंशन डेफिनेटली हैव टू बी वेरी प्योर. एंड आप अगर किसी चीज से आप जो सीख कर रहे हैं वो अल्टीमेटली आपको मिलता ही What है. you just said, Priyanka ji, makes total sense to me, considering the fact ki I seek for power, strength in that moment, and you, on the other hand, you seek calmness in that particular moment. तो आपकी ये बात has come a full circle that आप जो चीज सीख करते हो उस समय वो आपको मिलती है regardless of what you वो seek. आपको जी हाँ, तो यस यस ये तो दैट्स काफी ट्रू. अच्छा है ना प्रियंका जी. That brings us to another question. Like, do you really believe in the presence of God, like a deity or anything? आप किस चीज में मानते हो? आपके लिए is it like a friend of yours or a superior power or it resides in you? What is your take on it? सो डेफिनेटली आई मीन आई मतलब मेरी जर्नी गॉड के साथ बहुत ही फ्रेंडली वे में रही है, अगर मैं ऐसा बोलूँ तो. बिकॉज मतलब सिंस माई चाइल्डहुड, इन माई चाइल्डहुड बेसिकली आई वॉज अ बिग टाइम इंट्रोवर्ट. मैं बहुत कम बोलती थी एंड मेरे तो कम दोस्त भी थे, मतलब एक दो थे गिने चुने, एंड मैं उनसे उतना कनेक्ट नहीं कर पाती थी पर्सनल लेवल पे. तो थोड़ा मतलब इस वजह से थोड़ा आई हैड अ हार्ड चाइल्डहुड, तो इसीलिए आई यूज टू सिट इन फ्रंट ऑफ मंदिर बेसिकली, एंड यूज टू टॉक टू गॉड कि आज ये हुआ, ऐसा हुआ, वैसा हुआ. एंड दैट हैज इंक्रीज टू माई अडल्टहुड, एंड मतलब इट्स काइंड, इट माइट सेट अ वेरी फनी थिंग और मे बी अनयूजल, बट आई डू राइट लेटर्स टू गॉड. आई मीन वेन एवर आई वॉन्ट टू टॉक टू माई डेटी. सो आई बिलीव इन शिव जी अ लॉट. आई कनेक्ट विद हिम इन अ वेरी पर्सनल मैनर. एंड तो मैं क्या करती हूँ कि जब भी मुझे उनसे बात करने का मन करता है, आई डू कनेक्ट. आई मीन आई डू राइट लेटर्स कि मुझे जो भी बोलना होता है या फिर जो भी सीख करना होता है, या मैं जब भी डाउन फील कर रही होती हूँ, आई जस्ट राइट माई सेल्फ. मतलब मेरी अंदर की जो बातें होती है कि आई जस्ट पुट इट ऑन पेपर एंड आई जस्ट क्लोज इट. एंड आप बिलीव नहीं करोगे, उसको करने के बाद ना आई डोंट इवन रिमेम्बर कि मैंने 6 महीने पहले उनको क्या लिखा था, बिकॉज वो आपके जहन से चली जाती है. इट्स लाइक कि उन्होंने वो बातें मेरी ले ली है. आई माई सेल्फ डोंट रिमेम्बर. तो मैंने एक सेपरेट बुक बना रखी है उसके लिए कि जहाँ पे आई जस्ट राइट इट, पेन इट डाउन कि जो भी मुझे फील हो रहा है. एंड अगर आप प्रेजेंस फील करने की बात करोगे तो यस, मैंने जैसा कि आपको बताया कि आई हैव बीन वेरी ऑब्जर्वेंट टू द साइंस ऑफ यूनिवर्स. तो यस, देर हैव बीन इंस्टेंसेस दैट आई गेट ड्रीम साइंस, आई गेट साइंस फ्रॉम द यूनिवर्स. सो बेसिकली व्हेन आई वाज गेटिंग इनटू हीलिंग, आई जस्ट टेल यू अ स्मॉल एग्जांपल. तो जब मैं गॉड से पूछ रही थी, आई आस्क क्वेश्चंस आल्सो हाँ विद शिव जी कि मुझे ये करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए. आई एम दैट अपफ्रंट विद हिम. आई जस्ट राइट इट डाउन एंड आई जस्ट वेट वेरी कामली कि ठीक है, साइन मिलेगा तो मिल जाएगा अगर करना होगा तो.
तो आई आस्क देम अ वेरी स्मॉल थिंग कि मुझे यू नो शुड आई अडैप्ट हीलिंग और नॉट, शुड आई हेल्प पीपल और नॉट. ऑफ कोर्स यू शुड, आई मीन एम आई मेड फॉर दैट और नॉट. मैं गॉड से पूछ रही थी कि मैं उस चीज के लिए तैयार हूं या नहीं, तो मैंने पूछ के छोड़ दिया. एंड इट वॉज डाउन द लाइन फ्यू मंथ्स, आई मीन 1-2 महीने हुए थे, एंड देन आई स्टार्ट गेटिंग साइंस. ऐसा नहीं है कि मुझे तुरंत मिलते, इट्स नॉट मैजिक, राइट? उनके पास भी बहुत सारी अपील्स आती होंगी, यू हैव टू थिंक इट इन दैट वे. तो आई स्टार्टेड गेटिंग साइंस, आई स्टार्टेड मीटिंग पीपल ऑन माई वे हु वर इन टू हीलिंग. यू वोंट बिलीव दैट, आउट ऑफ नो वेयर आई एम गेट गोइंग इन टू यू नो फैमिली गैदरिंग. सो आई मेट दिस सिस्टर इन लॉ ऑफ माई, शी वी स्टार्टेड टॉकिंग लाइक, या आई एम इन टू हीलिंग, यू शुड ट्राई कम इन टू वन सेशन ऑफ आवर्स. आई वाज लाइक ओके, यू नो नाउ इट हैज स्टार्टेड. देन यू नो व्हेन आई वॉज ट्रैवलिंग, एंड देन वन वेंडर केम विद लॉट ऑफ बुक्स, एंड ऑल द बुक्स हैड हीलिंग यू नो कवर्स ऑन देम. सो आई एम जस्ट यू नो टेलिंग यू कि हाउ यूनिवर्स गिव्स यू साइंस, यू जस्ट हैव टू बी ऑब्जर्वेंट इनफ टू टेक इट. एंड देन आई वेंट टू अ यू नो माई फादर्स फ्रेंड्स हाउस. सो वहां पे भी जो उनकी वाइफ थी, आंटी जी थी, शी वॉज ऑल्सो इन टू हीलिंग. सो वी स्टार्टेड टॉकिंग, शी इज लाइक, या इट इज अ वेरी ब्यूटिफुल प्रोसीजर, यू शुड ट्राई हीलिंग पीपल, यू शुड ट्राई हीलिंग योर सेल्फ, यू शुड ट्राई मेडिटेटिंग. सो यू नो दीज आर 3-4 साइंस आई गॉट, एंड देन आई डिसाइडेड ओके यू नो आई गॉट माई आंसर. सो यू जस्ट हैव टू बी ऑब्जर्वेंट इनफ दैट हाउ यूनिवर्स एंड गॉड इज यू नो गिविंग यू साइंस. यू कैनॉट बी जस्ट, अरे भगवान ने तो दिया ही नहीं, किया ही नहीं, ही इज कम्युनिकेटिंग विद यू via people. So yeah, so these are the presences I do feel. This is just one example, huh? So I felt various examples I have like that, because I do keep asking him, what should I do, what should I don't. I totally understand that. Priyanka ji, मुझे भी ऐसा लगता है जैसे whenever we ask something to God or like a question or something, जिसका answer पर हम भगवान से उम्मीद करने लगते हैं, तो समवेयर डाउन द लाइन वो हमें चिट्ठी लिख के नहीं देते हैं, वो हमें छोटे छोटे साइंस या फिर ऐसी कुछ चीजें हमारे रास्ते में ला देते हैं, जिससे अगर हम ऑब्जर्वेंट रहेंगे, हम उस चीज को अगर नोटिस कर पाएंगे, तभी हम उस चीज को समझ पाएंगे कि इट इज समथिंग, इट सेज समथिंग. समझ पाएंगे, यू जस्ट हैव टू बी, भगवान आपको खुद आके तो बोलेंगे नहीं, ही विल कम्युनिकेट विद यू वाया पीपल ऑन अर्थ ओनली. सो यू जस्ट हैव टू बी ऑब्जर्वेंट इनफ टू टेक दोज साइंस, बिकॉज ही इज कम्युनिकेटिंग विद यू, यू जस्ट हैव टू बी ऑब्जर्वेंट. या दैट मेक्स सेंस. एंड मतलब आई गेस हमने बचपन में भी ऐसी बहुत सारी कहानियां पढ़ी हैं, लाइक दिस, लेट मी टेल यू अ स्मॉल टेल, आई गेस आपने भी सुना ही होगा, लाइक दिस शिप, एक जहाज था जो डूब रहा था. And there were people, there was one guy stuck on it. So he asked God, please save me. There was this boat that passing by and he offered help and he said, my God will save me. The second boat came by, he said, my God will save me. The third boat came by and he's like, my God will save me. And he did not survive the incident. And when he went to meet the God, he asked God, straightforward, that why didn't you help me? God just simply replied, why didn't you take the help I sent through the boats? I cannot come there. I'll try to bring the help to you. That is true. You have to just observant enough to take the help or his advices. That is what I believe. Exactly. And you have to communicate with God. If you want something in your life, I think you should ask questions. You will get your answers, but be patient enough to receive them. That is it. Patience is the key, I believe. May I totally, I'm totally grasping everything. And it all makes sense, Priyanka ji. Well, that let's move a little more into the conversation. Yes, Priyanka ji, let me ask you this. जैसे आपने बताया मंत्रों का काफी ज्यादा इफेक्ट होता है, इफ चांटेड प्रॉपरली इन द राइट स्पेस इट हैज अ लॉट ऑफ इफेक्ट. तो हमने ना बहुत देखा है, आपने भी देखा होगा, इन द करंट टाइम्स पीपल आर सफरिंग सो मच फ्रॉम स्ट्रेस एंड एंजाइटी, इवन समटाइम्स पीपल आर नॉट इवन अवेयर ऑफ द फैक्ट दैट दे आर गोइंग थ्रू सच थिंग्स. तो आप कुछ ऐसा मंत्र या फिर ऐसी कोई टिप्स सजेस्ट करना चाहेंगी विच कैन हेल्प देम? डेफिनेटली, आई मीन स्ट्रेस इज समथिंग कि ये
आई थिंक मैं 99% भी नहीं बोलूंगी, 100% लोगों की प्रॉब्लम है आज के डेट में, बिकॉज एवरीबडी इज अडिक्टेड टू यू नो स्क्रीन टाइमिंग, एवरीबडी इज अडिक्टेड टू द यू नो बींग अ पार्ट ऑफ द कॉम्पिटिशन एंड रेस. तो इतनी ज्यादा एंजाइटी आ गई है टू गेट सक्सेस मनी एंड यू नो लग्जरियस लाइफ, जो हमारे पेरेंट्स के टाइम पे नहीं होती थी. बहुत ही सिंपल लिविंग होती थी, इतना कुछ जाने आने को भी नहीं. सिंपल लिविंग उस समय लोग प्रमोट करते थे, सिंपल लिविंग क्लीन लिविंग बेटर होती है. आज के टाइम पे मटेरियलिज्म हैज टेकन ओवर, बेटर होती है टेकन ओवर. इतने सारे ब्रांड्स आ गए हैं, इतना कुछ करने को है, जाने को है. तो वो फियर ऑफ फोमो बोलते हैं ना जिसको, फियर ऑफ मिसिंग आउट से वो एंजाइटी आपकी बढ़ जाती है बेसिकली. तो स्ट्रेस और एंजाइटी के लिए सबसे पहले डेफिनेटली देर आर सम मंत्रास विच आई कैन सजेस्ट, बट आई थिंक यू शुड स्टार्ट जस्ट सिटिंग विद योरसेल्फ. आई मीन स्टार्ट सिटिंग इन सॉलिट्यूड बेसिकली. ओके, जस्ट सिट विद योरसेल्फ एंड यू नो फोकस ऑन योर थॉट्स. आई एम नॉट सेइंग इट टू रिएक्ट ऑन इट, कि आपके जो थॉट्स आ रहे हैं माइंड में आप उन पर रिएक्ट करिए, बट मेरा ये सजेशन होगा कि आप बैठिए अपने साथ, आंखें बंद करिए या फिर आंखें खुली भी रखिए, नो मैटर, बट आपके जो थॉट्स आ रहे हैं जस्ट बी ऑब्जर्वेंट इनफ, लेट इट पास, डोंट रिएक्ट ऑन इट. सैड आ रहे हैं, डोंट क्राई. एंग्री थॉट्स आ रहे हैं, डोंट यू नो गेट एंग्री. हैप्पी थॉट्स आ रहे हैं, डोंट गेट हैप्पी. आई एम नॉट इवन सेइंग कि गेट हैप्पी, जस्ट बी ऑब्जर्वेंट कि हाँ मेरे माइंड में कितने थॉट्स आ रहे हैं, ठीक है, एंड लेट इट पास. तो एक मोमेंट आएगा कि वो खाली होने लगेगा आपका दिमाग, क्योंकि हमने अपने दिमाग को इतना ओवर बर्डन कर लिया. अगर आप एक घंटे इंस्टाग्राम पे बैठते हैं, आप कितनी सारी रील्स देखते हैं, राइट, एक घंटे में स्क्रोल कर करके एक एक मिनट की भी देखेंगे तो आपने 60 रील्स देख ली एक घंटे में. तो आपके माइंड में 60 इंप्रेशंस आ गए एक मिनट के अंदर, और वो 60 इंप्रेशंस के साथ आपके माइंड में 60,000 थॉट्स हैं कि इसने कपड़े ऐसे पहने, इसने ये ऐसा किया है. तो व्हाई यू आर यू नो ओवर बर्डनिंग योर माइंड सो मच. You have to sit in solitude with yourself, be minimalistic, declutter your spaces, declutter yourself. Decluttering is so, so important to stop overthinking and stop stress. It is the most important mantra of your life. आपको declutter करना ही पड़ेगा आपकी life को, अगर आपका आपके phone को, even in your gallery, आपके clothes को, क्या चीज? सुलझाना पड़ेगा अगर वो सब मेस्ड अप है. सब हाँ जी, वो आपको क्योटिक जो है उसको क्योटिक से मेस फ्री बनाना पड़ेगा आपको, ताकि आपको वो स्पेस मिल सके. आप अपने आप को, अपने दिमाग को, अपने सराउंडिंग्स को वो स्पेस ही नहीं दे पा रहे. आप ही देखिए, अगर आप एक दिन अपने रूम को क्लीन करते, यू फील सो हैप्पी अबाउट इट. एक अलग सेंस ऑफ सेटिस्फेक्शन होती है. Everybody can feel that कि अच्छा इतना सुंदर रूम है. Why do we feel so happy in hotel rooms when we enter? Because it's so clean, it's blank canvas. So that is what you have to do to yourself. And अगर आपको वो difficult हो रहा है, तो you just start you know day by start your day early so that you can sit with yourself. Most of the people what they do is अगर उनको 9 बजे ऑफिस जाना है, तो 8:30 का अलार्म होता है कि 8:30 बजे उठते ही बस नहाएंगे और तैयार होके निकल जाएंगे. आई वुड सजेस्ट 8 बजे उठो, आधे घंटे अपने साथ बैठो, जस्ट रिलैक्स, धीरे धीरे सारा काम करो, सो दैट वो आपका दिन जो होता है ना बहुत ही गुड नोट पे स्टार्ट होता है. तो यू डोंट हैव टू यू नो स्ट्रेस आएगा ही नहीं. और अगर आप पर्टिकुलर मंत्रास की बात करते हैं, पावरफुल मंत्रास की, तो गायत्री मंत्र, जैसे मैंने कि आपको बताया कि गायत्री मंत्र इज अ वेरी पावरफुल मंत्र टू रिड्यूस स्ट्रेस, एंजाइटी एंड डिप्रेशन. फिर आता है महामृत्युंजय जाप, विच एक्चुअली एलिमिनेट्स नेगेटिविटी ऑफ योर लाइफ. इट विल हेल्प यू टू मोटिवेट यू, पुश यू टू यू नो गेट मोर ऑफ यू. हनुमान चालीसा इज देयर to you know motivate you to bring calmness, जैसा कि मैंने बोला, to give you आपके लिए strength है, मेरे लिए calmness है. It gives you a sense of motivation to do something in your life, to achieve victory. और फिर एक आता है श्री नरसिम्हा मंत्र, which is also a very powerful मंत्र. तो there are set of mantras which you can do, and or you can simply chant om with your breath work. Just inhale and exhale and just chant om. That is it.
आई मीन यू डू, आई मीन आई फील कि आप अगर सुबह 5 मिनट उठ के भी ओम चांट कर लेते, यू विल सी अ मैसिव चेंज. जस्ट डू इट फॉर अ मंथ एंड यू विल सी द चेंज, जस्ट फॉर 5 मिनट्स एवरी डे. सो आई थिंक पीपल जस्ट नीड टू डी क्लटर देयर स्पेसेस टू यू नो रिड्यूस स्ट्रेस एंड एंजाइटी फ्रॉम देयर लाइफ. रियली अस्टोनिश्ड विद द फैक्ट कि हाउ जस्ट अ स्मॉल थिंग सच एज चैंटिंग ओम कैन ब्रिंग सच अ बिग चेंज. रियली अस्टोनिश्ड विद दिस बिग चेंज. Yes, it does. Om is itself a complete mantra and it's a complete connotation which can actually, trigger your every chakra and send vibration in your every chakra. It's a complete form of, a complete form of spirituality. Everything sums up when it comes to an Om. So it is a very vast topic. I can talk on and on it's for incredible. An hour it's about it's incredible, it's such a vast topic. It's incredible to get all the learnings and all the information, knowledge that you have gained up. And it's incredible. I'm always happy to just sit and listen to all the preachings you're doing. It's incredible. Moving ahead in this conversation, Priyanka ji, aapne kaha tha that you do journaling, right? Habits, journaling. Yes. So I'd like to pour some light on it. Priyanka ji, jaise habits, small habits like journaling, holding hands in the morning, joining hands in the morning, and touching the ground before you get off the bed and everything. How does it affect our lives on a daily basis? Matlab, kya isse hamare din की शुरुआत तो अच्छी होती है बिकॉज वी आर एक्नोलेजिंग इट, बट हाउ डज इट अफेक्ट द एंटायर. ओके, सो व्हेन वी टॉक अबाउट नमस्ते, सो इट्स वेरी यू नो व्हेन वी ब्रेक इट द इट एक्चुअली कम्स फ्रॉम नमा, नमस्ते. सो व्हेन वी बेसिकली टॉकिंग अबाउट डूइंग नमस्ते और बोइंग डाउन, सो उसका इंटरनल कोनोशन होता है टू बेंड डाउन एंड टू डिस्ट्रॉय वन सेल्फ ईगो. सो अगर आप स्पिरिचुअलिटी की बात करते हैं तो टू अचीव योर हायर सेल्फ और बी अ सेल्फ रियलाइज्ड पर्सन विच इज द अल्टीमेट लेवल ऑफ साधना, तो वो अचीव करने के लिए आपको अपना ईगो डिस्ट्रॉय करना होता है, विच यू नो एक्चुअली मेक्स यू अ वेरी पावरफुल सेल्फ रियलाइज्ड पर्सन इफ यू से. ठीक है, तो जो आपका ईगो होता है वही आपकी फाउंडेशन होता है, ब्लॉकेज होता है सबसे बड़ा आपकी स्पिरिचुअल जर्नी में. अगर आपने अपना ईगो डिस्ट्रॉय कर लिया तो आप कुछ भी अचीव कर सकते हैं विद योर स्पिरिचुअल सेल्फ, राइट. तो ईगो नमस्ते एक बहुत ही बड़ा पावरफुल टूल है बिकॉज आप बो डाउन कर रहे हो अपने, जैसा कि हम बोलते हैं हमारे सनातन धर्म में कि हमारे अंदर भगवान बसते हैं, गॉड इज इन मी, गॉड इज इन यू. सो बेसिकली नमस्ते इज अ फॉर्म कि मेरे अंदर का भगवान आपके अंदर के भगवान को नमन करता है. सो द आइडिया इज दैट टू डू नमस्ते बेसिकली, राइट. तो हम अपना ईगो, यहाँ पे आई जो होता है, आई को डिस्ट्रॉय करके हम बन रहे हैं कि हम और आप एक ही हैं, क्योंकि मैं अपना ईगो डिस्ट्रॉय करके आपके सामने बो कर रहा हूँ और हमारे अंदर के भगवान को एक करते हुए नमन कर रहा हूँ. सो नमस्ते का एक्चुअली ये आइडिया होता है. एंड व्हेन वी पुट आर हैंड लाइक दिस, सो इट एक्चुअली एक्टिवेट्स आर हार्ट चक्रा. हियर इज आर हार्ट चक्रा विच एक्चुअली कनेक्ट्स योर डीपर लेवल टू अदर्स डीपर लेवल, द पर्सन यू आर गोइंग डाउन टू. सो इट्स अ वेरी वेरी पावरफुल टूल. आई मीन पीपल एक्चुअली बहुत ज्यादा इसको वो जनरलाइज कर दिया है, बट नमस्ते इज समथिंग कि आपका फर्स्ट स्टेप हो सकता है टूवर्ड्स स्पिरिचुअलिटी, टू डिस्ट्रॉय योर ईगो एंड टू बी अ स्पिरिचुअल सेल्फ. तो नमस्ते इज समथिंग विच इज वेरी पावरफुल. एंड बहुत सारी चीजें हैं नमस्ते के बारे में, जैसे आपके लेफ्ट हैंड में और राइट हैंड में मिला के आपकी कर्म इंद्रिय और ज्ञान इंद्रिया होती है, 5 कर्म इंद्रिया होती है 5 ज्ञान इंद्रिया होती है, जो मिलकर एक होकर आपको डीपर लेवल से कनेक्ट करने में और ज्यादा हेल्प करती है. तो आई थिंक नमस्ते, आई मीन इट्स अ वेरी ब्यूटिफुल एक्शन विच यू कैन डू इन योर स्पिरिचुअल सेल्फ. तो आई थिंक एवरीबडी शुड डू नमस्ते टू एवरी वन.
तो ये बहुत ही ज्यादा आपका फर्स्ट फर्स्ट स्टेप होगा। लोग पूछते हैं ना कि मैं स्पिरिचुअल जर्नी स्टार्ट करना चाहता हूँ तो मेरा फर्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए। आई थिंक यू शुड स्टार्ट गोइंग डाउन एंड डू नमस्ते टू एवरीबडी यू मीट। एंड जहां तक की बात है टू यू नो टच द ग्राउंड मदर अर्थ, तो उसमें एक साइंटिफिक, आई थिंक आजकल के यूथ को साइंटिफिक रीजन ज्यादा समझ आता है रैदर देन स्पिरिचुअल लॉजिकल रीजन। तो उसमें मैं बताऊंगी कि हमारी जो बॉडी का टेम्परेचर होता है जब हम बेड पे होते हैं, सो रहे होते हैं, हमारे बॉडी का टेम्परेचर अलग होता है, राइट? तो जब हम बो डाउन करते हैं, मदर अर्थ को छू के प्रणाम करते हैं, तो हमारी जो ब्रेन सेल्स हैं उनको क्या बोलते हैं, क्लू मिलता है, डायरेक्शन मिलता है कि हाँ यू नो यू हैव टू सेट योर टेम्परेचर अकॉर्डिंग टू द मदर अर्थ। सो व्हेन वी स्टेप इन, सो इट एक्चुअली यू नो इम्प्रूव्स योर फिजिकल हेल्थ एंड इट हेल्प्स यू टू स्टे ग्राउंडेड, इट्स हेल्प्स यू टू स्टे मोर काम इन योर यू नो वे। सो आई हैव मेड अ वीडियो अबाउट इट। सो उसमें मैंने स्पिरिचुअल रीजन मेंशन किया है, तो आई वांटेड टू यू नो मेंशन द साइंटिफिक रीजन हियर सो दैट पीपल माइट कनेक्ट इट इन अ बेटर वे। सो या दीज आर द थिंग्स, आई मीन वेरी पावरफुल टूल्स आपकी स्पिरिचुअल जर्नी करने के लिए, स्टार्ट करने के लिए आप ये डेफिनेटली ट्राई कर सकते हैं। नहीं, आई आई टोटली अग्री विद दैट. रादर देन, मुझे तो लगता है प्रियंका जी, स्पिरिचुअल रीजंस दे आल्सो होल्ड अ लॉट वेट व्हेन इट कम्स टू आर ओन डेफिनेटली माइथोलॉजी एंड डेफिनेटली आर कल्चर. दिस इज रीजन बड़े लोग बोलते हैं कि पुराने के बड़े बुजुर्ग कह गए हैं, तो देयर इज अ रीजन दे डोंट जस्ट कह ब्लैबर, गए दे हैं आर जस्ट एग्जैक्टली दे डोंट जस्ट ब्लैबर, दे आर स्पीकिंग फ्रॉम ट्राइंग टू. एक्सपीरियंसेस। आई मीन जी व्हाई डू यू थिंक देयर इज अ रीजन कि लोगों की लाइफ स्पैन कम होते जा रही है। पहले पीपल यूज टू लिव फॉर 100,000s of years बिकॉज दे टुक केयर ऑफ देयर हेल्थ इन अ वेरी एंशियंट वे। आजकल लोग मटीरियलिस्टिक वर्ल्ड से, जंक फूड से, मतलब तामसिक आहार से इतना ज्यादा प्रभावित हो जाते हैं कि लोग भूल जाते हैं कि सात्विक खाने की पावर क्या है बेसिकली। तो सात्विक खाने की पावर लोग अभी समझ नहीं पा रहे हैं प्रिसाइसली। आई थिंक चेंज आ रहा है, इवन फॉरेनर्स आर गेटिंग वीगन, सो आई डोंट नो, आई मीन व्हाट इज योर एक्सक्यूज। वो तो है. मतलब आई टोटली अंडरस्टैंड कि मतलब मुझे लगता है कि वीगन होने से ज्यादा एक जो एक सात्विक आहार होती है, एक सात्विक भोजन जो होता है एग्जैक्टली, सात्विक इज वो समथिंग आई प्रमोट। इवन आई डोंट प्रमोट वीगनिज्म ऑनेस्टली ऑन अ सीरियस नोट, बिकॉज द पॉइंट इज कि वी डोंट गेट प्योर मिल्क नाउ डेज, सो दैट इज द रीजन पीपल आर वेरी स्केयर्ड टू हर चीज में यू नो हैव मिलावट है, मिल्क। हर चीज में मिलावट है. अगर आप देखो, बिकॉज ज्यादातर चीजें अब हाँ बिजनेस पॉइंट ऑफ जी व्यू से देखी जाती है रादर देन हेल्थ कंसर्न के एग्जैक्टली माइंडिंग. अगर आप अभी हाँ, भी एक बट शुद्ध, अगर इन आयुर्वेद बिकॉज आयुर्वेद नेवर आस्क यू टू गिव अप ऑन मिल्क। इनफैक्ट इट यू नो हैव अमेजिंग बेनिफिट्स एंड प्रॉपर्टीज टू हील यू इन यू नो इन मैजिकल वेज। सो या इवन मतलब मैं बस यही बोलना चाह रही हूँ कि आई मीन जब लोग जो लोग बचपन से नॉनवेज खा के तामसिक आहार खा के बड़े हुए हैं, वो जब चाह रहे कि हम वेजिटेरियनिज्म की वीगनिज्म की तरफ बढ़े, तो सात्विक आहार की तरफ बढ़े, तो आपका क्या एक्सक्यूज है? आई मीन आई डोंट आई टोटली अंडरस्टैंड अंडरस्टैंड इट. जब आपके पास तो सारी नहीं, इट्स ओके. अवेलेबिलिटी है। टोटली टोटली. एंड जैसे एक चीज और है, आयुर्वेद में अगर शरीर के अंदर कोई दिक्कतें होती हैं तो उन्हें दोषों से एनालाइज किया जाता है. मतलब उतनी तो मुझे डीप नॉलेज नहीं है, बट जितना मैं जानता हूँ आयुर्वेद में अगर किसी को कोई परेशानी होती है तो उनको उनके दोषों से एनालाइज किया जाता है. तो इस चीज के बारे में चर्चा कर सकते हैं कि ये कैसे काम करता है, हाउ, कैसे आयुर्वेद में दोषों के थ्रू एनालाइज, नाड़ी नाड़ी परीक्षण भी कहते हैं उसको. तो आयुर्वेद में जैसे कि सबको पता है कि वात पित्त कफ तीन प्रकार के दोष जी होते हाँ. हैं। तो हमारी वात बॉडी होती है, पित्ता बॉडी होती है डोमिनेटिंग, या फिर कफा बॉडी होती है। बट जनरली जो हमारे नॉर्मल ह्यूमन लाइफ में होती है वो एक डोमिनेंस में नहीं होती, एक दोषा में, या तो वाता पिता, पिता कफा, कफा वाता, मतलब ऐसे होती है। और एक टाइप की बॉडी होती है जिसको हम ट्राई दोषा बोलते हैं, जिसमें तीनों दोषाज एकदम बैलेंस्ड वे में वर्क करते हैं, ऑन एंड अच्छा ऑन, ऑन एंड ऑफ। तो बट वो विच इज वेरी हार्ड टू फाइंड दीज डेज कि आपके तीनों दोषाज बैलेंस्ड हैं बैलेंस इन अ है प्रॉपर जी. मैनर एंड यू आर कम्प्लीटली
हाँ बैलेंस्ड है, विच इज वेरी वेरी हार्ड टू फाइंड. अगर आप बहुत ही कीनली अपनी लाइफ को ऑब्जर्व करते हुए आगे बढ़ रहे हैं, तो देर आर पीपल, आई एम नॉट सेइंग कि यहाँ लोग एग्जिस्ट नहीं करते, बट यू कैन एक्चुअली काउंट देम ऑन फिंगर्स. अगर त्रयोदशा वाले लोगों को हम काउंट करेंगे तो इट्स वेरी फ्यू. बट वाता की देखो, मैं ये नहीं बोलूंगी कि दोशास के सिर्फ साइड इफेक्ट्स होते हैं या वो बुरे होते हैं. अगर आप वाता पर्सन हैं तो बेसिकली उनके प्रोज एंड कॉन्स दोनों होते हैं. वो इम्बैलेंस हो जाते हैं तब आपको बैड वे में अफेक्ट करते हैं. तो वाता अगर बैलेंस्ड वे में रहता है तो आपकी जो बॉडी फिजिक होती है वो थिन होती है, आप लाइवली होते हो, बहुत क्रिएटिव होते हो अपनी लाइफ में, राइट. बट अगर वो इम्बैलेंस हो जाए तो आपकी बॉडी में बहुत ड्राइनेस आ जाती है, आपके हेयर बहुत ड्राई हो जाते हैं, स्किन बहुत ड्राई हो जाती है. तो ऐसे ही अगर हम पिता की बात करेंगे तो वो बैलेंस्ड वे में रहता है तो आप लीडरशिप क्वालिटी होती है आपके अंदर, आप बहुत डायनामिक पर्सन होते हो और बहुत ज्यादा पॉजिटिव वे में पैशनेट होती हो चीजों को लेके. बट अगर वो इम्बैलेंस हो जाती है तो आपको हेयर फॉल की इश्यूज हो सकती है, जैसे मेन में बॉल्डनेस आ जाती है जल्दी, अर्ली एजिंग आ जाती है, तो वो सब इश्यूज होते हैं. और अगर हम कफा की बात करते हैं तो आप बहुत ही काम और ग्राउंडेड पर्सन होते हो अगर वो बैलेंस्ड होता है. लेकिन अगर इम्बैलेंस हो जाता है तो आपको एक्ने हो सकते हैं, मतलब ऑयली स्किन आपकी हो जाती है. तो मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि आपके इम्बैलेंस ये बैलेंस्ड में वे में रहते अगर ये आपके दोषास, तो एक्चुअली आपको बहुत अच्छे से अफेक्ट भी कर सकते हैं, आपको बहुत अच्छा मोटिवेशन, आपको पुश दे सकते हैं. तो आपको कभी कभार हो सकता है कि आपका हेयर फॉल हो रहा है और आपकी स्किन भी ऑयली हो गई है, तो दैट मीन्स कि आपको आपका जो पिता और कफा दोषा है वो ओवर पावर कर रहा है. तो देर विल बी इंस्टेंसेस कि दो दोषा डोमिनेंस पे आ गए और एक दोषा सप्रेस हो रहा है, या एक बहुत ज्यादा डोमिनेंस पे आ गया है. तो आपके जो सिम्टम्स होते हैं, आपके जो कॉजेस होते हैं, उस बेसिस पे हम जज कर पाते हैं कि आपका कौन सा दोषा इम्बैलेंस है. और ऑन दैट वी सजेस्ट योग आसनाज, ऑन दैट वी सजेस्ट डाइट कि आपको क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए. कफा में आपको, मतलब अगर आपकी बॉडी में कफा बढ़ रहा है, मतलब ये आपकी बॉडी में पिता बढ़ रहा है, तो आपको गर्म चीजें कम कर दी जाती है, अवॉइड करने को कहा जाता है. कफा में आपको मतलब कहा जाता है कि आप बलगम जिससे बनता है वो चीजों को अवॉइड करें. वाता में आपको कहा जाता है कि मतलब को थोड़ी गर्म चीजें खाएं, गरम चीजें राइट. खाए। आई मीन डिपेंड, हाँ. तो डिपेंड करता है कि आपका क्या कॉज है और क्या सिम्टम है, उस बेसिस पे हम जज करते हैं. तो दिस इज अ वेरी सिंपल येट थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड, इफ यू यू नो डू इट इन अ कॉम्प्लिकेटेड मैनर. बट अगर आप, वही मैंने बोला ना, आप थोड़ा सा ऑब्जर्वेंट हो जाए, तो स्पिरिचुअलिटी इज दिस ओनली कि आप थोड़ा सा अपनी तरफ ऑब्जर्वेंट हो जाए कि आपकी बॉडी में क्या हो रहा है. मतलब ये छोटी सी टिप है कि अगर आप खा रहे हैं, सपोज आज आपने सुबह नाश्ता किया, तो जस्ट बी ऑब्जर्वेंट इन ऑफ टू द होल डे कि आपने दिन में क्या खाया, रात दिन में क्या खाया, सुबह क्या खाया, रात में क्या खाया, और अगले दिन आप कैसा फील कर रहे हैं. तो यू विल ऑटोमेटिकली नो कि क्या खाना आपके लिए काम कर रहा है, किस वे में काम कर रहा है, आपने लेट खाया था इसलिए हुआ. यू विल नो द कॉजेस, यू डोंट नीड अ यू नो अदर पर्सन और अ डॉक्टर टू टेल यू. ऑफ कोर्स फॉर डॉक्टर इज डेफिनेटली नीडेड, बट आई एम सेइंग कि यू हैव टू बी यू नो ऑब्जर्वेंट इनफ टू योर सेल्फ टू नो मोर अबाउट योर बॉडी कि वॉट वर्क फॉर यू वॉट नॉट, राइट. तो आई थिंक दोषा इज समथिंग कि आप खुद ऑब्जर्व कर सकते हो कि आपकी बॉडी में अभी क्या डोमिनेंस पे है और उसको बैलेंस करने के लिए आपको क्या करना चाहिए. सो दिस इज अ वेरी वास्ट टॉपिक, बट आई ट्राई टू यू नो ब्रीफ इट इन अ वेरी शॉर्ट नहीं, आई मैनर इफ टोटली आई कुड. या अंडरस्टैंड इट। प्रियंका जी, ये जो आपने कहा कि वन शुड ऑलवेज नोटिस इट इट्स आर सेल्व्स, विच इज राइट। अगर आप कोई भी चीज खाते हैं, आपकी बॉडी उसके प्रति एक रिएक्शन देती है। अगर आप तीखा खाएंगे तो उसके प्रति एक रिएक्शन होता है, ठंडा खाएंगे तो उसके प्रति रिएक्शन होता है। लोग आजकल इतनी ज्यादा फास्ट पेस रिएक्शन जिंदगी जी होता रहे हैं कि उस रिएक्शन को इग्नोर कर देते हैं। है, इग्नोर कर देते हैं लोग, मतलब सोचते हैं कि ऐसे ही हो रहा होगा, या मतलब आई डोंट थिंक कि वो सोचते भी इस बारे में. एंड जब ज्यादा बीमार हो जाते हैं देन दे आस्क कि मैंने तो कुछ किया ही नहीं, मैं बीमार दे गो क्यों टू हो गई, क्यों हो डॉक्टर्स एंड गया. गेट द मेडिसिन्स एंड दे आर बैक टू द हाँ, सेम ट्रैक। सेम ट्रैक. सो यू जस्ट हैव टू बी ऑब्जर्वेंट इनफ टू योर बॉडी एंड योर सेल्फ, दैट्स इट. तो जैसे आपने, हमारे बीच में बात हो रही थी प्रियंका जी, एंड हम दोनों ने मेंशन किया कि आज के टाइम पे पीपल आर नॉट लिविंग अ वेरी गुड लाइफ, मतलब नॉट गुड लाइफ। एज एक्सपेक्टेंसी उनकी कम होती जा रही है बिकॉज पुअर लाइफ स्टाइल दे फॉलो।
गोइंग टू बेड लेट, वेकिंग अप अर्ली, नॉट हैविंग अ न्यूट्रिशनल ब्रेकफास्ट, नॉट द जंक खाना, इम्प्रॉपर स्लीप साइकिल एंड डेली बैड हैबिट्स, राइट? तो एज यू हैव मोर की नॉलेज इन आयुर्वेदा देन मी, देन वॉट आर एनी टिप्स एंड ट्रिक्स, या फिर कोई भी ऐसी चीज जो आप बताएंगे जिनसे उनको इस चीज को सही करने में आसानी हो सके? सी आज के डेट में जैसा कि मैंने बोला कि आई थिंक एवरीबडी शुड स्टार्ट अडाप्टिंग यू नो फोकस ऑन देयर मेंटल हेल्थ, इमोशनल हेल्थ एंड देन फिजिकल हेल्थ. ठीक है, हम जैसे लोग बोलते भी है कि यू नो आई एम गेटिंग फैट या फिर मेरा लाइफ स्पैन कम हो रहा है, मुझे बीमारियां आ रही है. व्हाई यू आर सीइंग दिस ऑन अ फिजिकल लेवल? प्लीज फोकस इट ऑन अ मेंटल लेवल ऑल्सो, बिकॉज एवरीथिंग इज कनेक्टेड फ्रॉम हियर. ट्रस्ट मी, योर थॉट्स अफेक्ट योर बॉडी इन अ ह्यूज एंड मैसिव मैनर. एंड अफर्मेशन, मैनिफेस्टेशन डज वर्क ऑन योर बॉडी. जैसा आप सोचेंगे, जो हम बोलते हैं ना कि आप जो खाते वो होते हैं, तो आपके माइंड को आप जो खिला रहे हैं ना, वही आपके फिजिकल बॉडी में अफेक्ट कर रहा है. तो इसीलिए हम कॉन्शियस ईटिंग भी प्रीच करते हैं कि जब आप खाना खाते हैं तो डोंट फोकस ऑन गैजेट्स, टीवी मत देखिए, फोन मत चलाइए, फोकस ऑन वॉट यू आर ईटिंग, राइट? बिकॉज आप अपने माइंड को खिलाते हैं. और अगर आप गैजेट पे ध्यान दे रहे हो और खाना खा रहे हो, तो यू नॉट फोकसिंग ऑन द फूड. तो आपके मेंटल हेल्थ को वो फीड हो रहा है, ना कि वो. तो आप जो अच्छा खा भी रहे हो, तो आपकी बॉडी पे वो नहीं लगेगा, बिकॉज आपके माइंड से वो सिग्नल ही नहीं जा रहा है आपकी बॉडी को कि उसको कैसे पचाना है या उससे आपकी बॉडी को क्या फायदा होना चाहिए. सो माइंड इज अ वेरी पावरफुल टूल. सो हेयर कम्स द लॉ ऑफ अट्रैक्शन एज वेल, कि आप जो सोचते हैं, हम इतना सुना है लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में, एवरीबडी नोज अबाउट इट. सो आई थिंक मेंटल हेल्थ पे फोकस करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, रादर देन यू नो आई थिंक मेंटल हेल्थ शुड बी द फर्स्ट प्रायोरिटी एंड योर फिजिकल हेल्थ विल फॉलो अलॉन्ग. दैट इज यू नो वट आई बिलीव इन, कि मेंटल हेल्थ पे अगर आप फोकस कर लेंगे तो आपकी फिजिकल हेल्थ अपने आप रिपेयर होते चले जाएगी. बिकॉज यू जस्ट हैव टू फीड द गुड थॉट्स, गुड कनोशंस एंड गुड हैबिट्स बेसिकली. एंड मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि सारी हैबिट्स आप एक दिन में अडाप्ट कर लीजिए. स्टार्ट बाय यू नो स्पेंडिंग टाइम विद योर सेल्फ. एक घंटा जल्दी नहीं उठ पा रहे, आधा घंटा जल्दी उठ जाइए. एंड गिव टाइम टू योर सेल्फ, सिट विद योर सेल्फ, आस्क योर सेल्फ की वॉट इज माई पर्पज, वॉट आई वॉन्ट टू अचीव, वॉट आई वॉन्ट टू डू. पीपल डोंट आस्क दीज क्वेश्चन दीज इज टू योर देम सेल्फ. आई मीन आई थिंक दे शुड आस्क, इट्स हाई टाइम. सो या टोटली हाई टाइम तो है ही, बिकॉज द राइज इन प्रॉब्लम्स ऑलमोस्ट एवरीवन, एनीवन वी मीट इज समवेयर डाउन द लाइन डिप्रेस और ऑन द वर्ज ऑफ इट. एंग्जाइटी हो रखी है लोगों को, पीपल आर सेइंग यार देखो ये परेशानी स्टार्ट हो रही है, एंड यू आर इन योर 30s, दैट डजंट मेक सेंस एट ऑल. या इवन आई टॉक टू सो पीपल एंड व्हेन आई आस्क दीज क्वेश्चंस कि व्हाट यू वांट, एंड दे जस्ट गो साइलेंट एज लाइक आई डोंट नो व्हाट आई वांट. आई मीन यू शुड नो व्हाट यू वांट, यू शुड नॉट गेट इन्फ्लुएंस्ड कि इसने ये बोला उसने वो बोला. व्हाट यू वांट, थिंक अबाउट इट. दैट इज व्हाई पीपल गेट स्ट्रेस, बिकॉज दे आर नॉट डूइंग व्हाट दे लव, दे आर डूइंग व्हाट सोसाइटी लव्स. What society Exactly, wants to, you know, but society actually them wants to to be get doing, yeah. tend to be doing what exactly society Out of wants them. them to do, wants out of them to get the most use out of Yes. it. और सामने वाले की जो खुद की इच्छा होती है वो कहीं ना कहीं दब जाती है, और वो दब जाती है तो इंसान कहीं खो दूसरी जाती है, चीजों दे से डोंट नो, इन्फ्लुएंस हो जाते हैं कि सोसाइटी में रहना है तो इतना कमाना पड़ेगा, ये बनना पड़ेगा, यू हैव टू बी इन अ सर्टेन वे. बट समटाइम्स यू डोंट, जस्ट डोंट लाइक इट एंड यू जस्ट डोंट वॉन्ट इट. सो डू वॉट एवर यू वॉन्ट एंड यू विल बी हैप्पी. Coming, it's been incredible, Priyanka ji, and now we are down to the last question. So the question is, like, we have seen so many users in our community. मतलब अगर मैं community की बात सोचूं, तो there are so many people in the community who are suffering from PCOD and PCOS, like, or some infertility issues or some hormonal imbalances and stuff like that. So as you are the one with more knowledge as of right now, so I'd love to know what, मतलब, can they do
टू मेक इट बेटर. दिस मतलब दिस नथिंग लाइक इंस्टेंट क्योर, एंड आई अंडरस्टैंड इट, बट वॉट कैन दे डू टू गेट द सिचुएशन बेटर? देखो मैं आपको ना इसका रूट कॉज बताती हूँ कि पीसीओडी इन पीसीओएस अभी ही क्यों ज्यादा हो रहा है. अंडरस्टैंड दिस थिंग कि हमारी यूथ में क्यों ज्यादा आया है. देयर इज अ रीजन बिहाइंड इट, बिकॉज जब हम बड़े हो रहे थे तभी ये सारे अच्छे ब्रांड्स, जूसेस, चिप्स आए. हमारे मॉम डैड के टाइम पे तो नहीं थे ये, जब हम बड़े हो रहे थे तभी आ रही थी. और मतलब पहले ही अवेयरनेस नहीं थी टू बाय थिंग्स आफ्टर रीडिंग लेबल्स. ठीक है, अब हम इतने ऑब्जर्वेंट हो गए कि हम कुछ भी खरीदते तो हम लेबल रीड करते हैं कि इसमें क्या डला हुआ है. इट वॉज वेरी फैसिनेटिंग फॉर अस एज चिल्ड्रन. इट वॉज वेरी फैसिनेटिंग एंड इजी फूड फॉर आर पेरेंट्स टू गिव टू देयर चिल्ड्रन ऑल्सो बैक देन. राइट, कि जूस है, हेल्दी ही है, बट नहीं पता कि उसमें 90% 95% तो शुगर है. नहीं पढ़ा ना लेबल, क्योंकि वैसे ही मार्केटिंग गिमिक किया गया था. तो बचपन से इतना शुगर, इतना मैदा इंड्यूस हुआ हमारी बॉडी में, तो वो अफेक्ट तो कहीं पे जाके करेगा ही ना. राइट, हमारे मॉम डैड को क्यों नहीं किया, क्योंकि उनके टाइम पे ये सब क्या बोले, ये सब गिमिक्स थे ही नहीं. इट इज नॉट लग्जरी ऑब्वियसली, ये गिमिक्स ही नहीं थे. लाइक अ गिमिक एंड दैट हैज कम फ्रॉम द वेस्ट. एग्जैक्टली, एंड इट कम इन द 90s ओनली व्हेन वी वर ग्रोइंग अप. राइट, तो इन आर जनरेशन इट इज इंक्रीजिंग एंड आर नेक्स्ट जनरेशन विल बी मोर. आई थिंक वी आर ऑन दैट वे कि हम थोड़ा लेबल्स रीड करके अपनी आगे की जनरेशन को देंगे तो इट विल रिड्यूस मे बी इन द नेक्स्ट जनरेशन. आई डोंट नो, आई एम जस्ट यू नो अज्यूमिंग और होपिंग बेसिकली. तो दिस इज द रीजन कि हमने बचपन से वो अपनी डाइट को ऐसा इंड्यूस किया है तो वो आपकी बॉडी में रह गई है. आप 20-30 साल की लाइफ में अगर आप वो खाते आए हैं तो अब जाके अगर आप उस चीजों को एलिमिनेट करेंगे तो यू हैव टू गिव योर बॉडी टाइम टू हील. कि अगर आपने 20-30 साल कुछ खाया है तो आपकी बॉडी को एटलीस्ट 10 साल तो दीजिए टू कम टू दैट यू नो ओरिजिनल सेल्फ और अ वेरी प्योर सेल्फ. राइट, तो पीसीओडी एंड पीसीओएस इज अ यू नो हार्मोनल डिसऑर्डर विच यू कैन से विच मोस्टली हैपन्स विद गर्ल्स these days, which causes, you know, in long run, it causes problems with their pregnancy, with their, you know, menstruation. So there has been a lot of issues with their hair fall, acne, thinning, weight gaining, what not. I mean, you just name it. Anger issues, anxiety, depression. I mean, you just name it. So basically, the main mantra would be for this to eat healthy. First of all, you have to focus on your diet in a very, very keen manner, and you cannot expect happening it in a very, you know, easy way. I am also managing my PCOS since 13 years. I also have PCOS, let me tell you. Yes, I also did. And PCOS and PCOD is a condition which stays with you. It's like a diabetes for your ovaries. It never leaves you, but you can always manage it or reverse it. You can reverse its symptoms. I did myself, but you have to be very observant with your food. You have to be very observant with your lifestyle. I mean, log bolte na, there should be any cheat days. For with PCOD and PCOS, it is tough because the cravings of sugar, the cravings of eating junk, it increases because you have been, you know, leading that lifestyle in childhood. Bahut push aata hai andar se, but aapko alternatives choose karne, it will be tough. I'm not saying it's impossible. It will be tough definitely because I have been managing, so I know. तो ये टफ जरूर होगा, बट देर विल ऑलवेज बी इंस्टेंसेस की यू हैव टू यू नो पिक कि आपको क्या चाहिए जीवन में. आपको अपनी हेल्थ चाहिए या फिर खाना वो जंक चाहिए जो आपकी हेल्थ को गिरा रहा है या आपकी लाइफ स्पैन को कम कर रहा है. तो बेसिकली द मंत्रास वुड बी कि फोकस ऑन योर लाइफ, फोकस ऑन योर डाइट, फोकस ऑन योर मेडिटेशन, बिकॉज स्ट्रेस can actually, you know, induce and increase the effects or side effects of PCOD and PCOS. So meditation and chanting or healing is very, very necessary for the people of PCOD, suffering from PCOD and PCOS. And there has, ye Mata Parmeshwari ka bhi ek mantra hai,
जो आप चैंट कर सकते हो वाइल मेडिटेटिंग, विच एक्चुअली हेल्प्स यू टू काम योर नर्व्स व्हेन यू आर सफरिंग फ्रॉम पीसीओडी एंड पीसीओएस, क्योंकि पीसीओडी एंड पीसीओएस में एंजाइटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है. तो आप वो मंत्र चैंट कर सकते हो परमेश्वरी माता का, विच आई सेंड यू अगर इफ यू वॉन्ट टू यू नो मैंशन इट. एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली प्रियंका जी. या तो दैट एक्चुअली उसके जो वाइब्रेशन है दैट एक्चुअली यू नो कनेक्ट्स टू योर इनर सेल्फ इन अ वेरी फेमिनिन वे. इट्स अ फेमिनिन मंत्रा विच हेल्प्स यू टू हील योर ओवरीज, विच हेल्प यू टू काम योर नर्व्स, विच यू नो हेल्प्स यू टू रिलीज योर यू नो ब्रिंग योर मेंस्ट्रुएशन ऑन टाइम और मैनेज योर स्ट्रेस लेवल्स एंड हार्मोनल लेवल्स इन पीसीओडी एंड पीसीओएस. सो या थैंक यू सो मच फॉर दिस एडवाइस प्रियंका जी. आई रियली क्यू जो जो आपने कहा है, इट विल ऑल बी वंडरफुल फॉर द यूजर्स एंड फॉर द कम्युनिटी एज वेल. आपकी डाइवर्स नॉलेज के सामने तो मन कर रहा है आपसे बातें ही करता रहूं फॉर माई ओन विजडम एंड फॉर आर ऑडियंसेज एज वेल, बट टाइम कंस्ट्रेंट इतना बड़ा फैक्टर हो जाता है. तो लेट्स एंड दिस पॉडकास्ट विद अ शॉर्ट रैपिड फायर क्वेश्चन. या श्योर एब्सोल्युटली. तो वट इज दैट वन बुक यू विल सजेस्ट? भगवत गीता. आई थिंक एवरीबडी शुड रीड इट थरली. परफेक्ट. वन मंत्रा यू सजेस्ट टू द स्टूडेंट्स, योर स्टूडेंट्स, एनीवन हु इज स्टार्टिंग देयर जर्नी? आई थिंक यू शुड बी चैंटिंग गायत्री मंत्रा. गायत्री मंत्रा इज सच अ पावरफुल मंत्रा. यस. ओके. एंड वन हैबिट वन शुड फॉलो फॉर अ हेल्दियर लाइफ? Please wake up early every day. Please wake up early. It'll give you time for everything you want in your life. I feel that is so incoming key. Because agar aap subah jaldi uth jaoge, you can cover so many things. Tab aap you will be able to read the book you just suggested, and you'll also be able to practice the mantra you were told about. I mean, the point is, I'll just add a point to this. I Absolutely. Mean, people ignore, I mean, very little things. They focus on the big parts. Ki hum na gym jayenge, hum exercise karenge. But waking up early, just 10 minutes or half an hour before, it's just a small thing to start with. Or just, you know, just wake up early, drink water, clean your tongue, do your cleansing, meditate. I mean, these are very small things which can bring big changes in your life. There's also a book called Atomic Habits. I've read it as well. So I mean small atomic habits can literally bring bigger changes in your life, but just people don't, you know, take that into consideration. They focus on the big part ki walk pe jate hain, run karte hain. I mean, those are the good things, but start with little things so that you can bring a routine to your life. Actually, what I feel and others feel as well is, now Priyanka ji, in the current time, people are so very obsessed with the results. They are very keen ki like jaldi se result aa jaye. Unko long run mein healthy rehne ki baat na, it is not fundamentally sahi se samajh nahi aa pa rahi. That's true. But I'm really happy that you have given us a path to look upon during our spiritual times. All the mantras you told us and all the habits you told us, all the tips were incredible, and we are really thankful and glad that you were here with us, Priyanka ji. It's been incredible speaking to you. Thank you so much, Prashant ji. It was such an insightful conversation. I love sharing my knowledge, and I hope it could help, you know, many of the viewers who will be watching this. So I'm so, so glad we, you know, did this. I'm so happy. Chaliye, isi ke saath khatam karte hain podcast ko. Thank you so much for giving me this Priyanka ji, it's the pleasure is all ours. Yeah, thank you so much for inviting me. Thank you so much for giving me this opportunity so that I can actually be, you know, on this platform with your viewers. I could share this, you know, my set of... Absolutely, Priyanka. Even we are glad to host you, and we'd always be ready to host you again in the future. Namaste. Thank you so much, Prashant ji. Namaste.